अभी हम लोगों का क्लीनिंग चल रहा है. तो आज है संडे. हैप्पी संडे. हैप्पी संडे क्या बोल रही हूँ, अभी तो सिचुएशन ही ऐसा है जो हैप्पी क्या रह सकता है. जो भी हो हैप्पी रहना चाहिए. सुबह से जो डस्टिंग वगैरह है वो सब करने के बाद बैल्कनी वगैरह क्लीन किया जाता है. डेली तो पोछा हो जाता है बट संडे का दिन धोना होता है. तो बैल्कनी वगैरह वॉशिंग एरिया जो है वो सब धोना होता है संडे का दिन. तो वो सब अभी क्लीनिंग वगैरह चल रहा है. तो मैं झाड़ू कर ली हूँ, बैल्कनी वॉश कर ली हूँ, वॉशिंग एरिया जो है यूटिलिटी एरिया वो क्लीन हो गया है. तो मेरे हस्बैंड भी मॉपिंग करेंगे तो वो मॉपिंग कर देते हैं. तो संडे तो वो आज करेंगे मॉपिंग. और अभी मैं बहुत थक गई हूँ तो अभी मैं नींबू पानी पीऊँगी एक ग्लास. पीने के बाद मैं जाऊँगी शॉल लेने, उसके बाद बनाऊंगी लंच. नींबू पानी पीने से ना बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है. अभी जैसे मैं बहुत थक गई थी ना, मुझे एनर्जी आने लगा. तो नींबू पानी में बहुत अच्छा एनर्जी मिलता है. तो आप लोग भी कोशिश कीजिए घर में डेली एक ग्लास कम से कम नींबू पानी पीने के लिए सब कोई. और गर्मी में तो पीना ही चाहिए. सुबह से लेके बहुत सारे बात हम लोग किए ऐसे. अभी डेली लॉकडाउन में यही चल रहा है. बचपन की बात, भाई बहन के साथ बिताया हुआ टाइम, वो सब की बात, स्कूल टाइम की बात, ये सब बातें बहुत याद करते थे. बचपन में ऐसे करके हम लोग स्कूल जाते थे, ऐसे करके ये करते थे, ये टिफ़िन खाते थे, मम्मी ये बना के देती थी, हम लोग ये चॉकलेट खाते थे, ये चूरन खाते थे. बहुत अच्छा लगता है, अलग से स्माइल आ जाता है. ये सब बात याद करके हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं. अभी लॉकडाउन में यही चल रहा है. घर का क्लीनिंग वगैरह अच्छे से, कामकाज, और बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है. सो भी जा रही हूँ आराम से, एकदम नींद ले रही हूँ. फिर उठ के फिर वही सब गॉसिप करना, ये सब चल रहा है. आप लोगों का भी शायद ऐसे करके दिन कट रहा है. और एक तरफ से ना देखा जाए, पहले जब काम में सबको इतना बिजी रहता है ना, टाइम नहीं मिलता है सबको, क्योंकि काम करते करते इतना टाइम लग जाता, फिर जितना भी टाइम बचता थोड़ा रेस्ट लेना पड़ता था. उस टाइम ना हम लोग बचपन की बातें, ये सब बातें हम लोग याद ही नहीं करते क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है. इसीलिए वो सब कहाँ एक जगह बंदी पड़ा रहता है. बट अभी इस टाइम में ना ये सब याद कर करके बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ही अच्छा लग रहा है ये सब बात को याद करके. कितना पुराना बातें याद आ रहा है. तो इस टाइप से बीत रहा है हम लोग का टाइम. टोमेटो का चटनी और साथ में थोड़ा सा अचार ले लूँगी, हो जाएगा. तो समर का बहुत ही सिंपल एक लंच है, काफ़ी अच्छा लगता है लाइट खाना. सो भिंडी खाली ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा बाकी है, उसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ. और मेरा हस्बैंड गए हैं नहाने, तो नहा के आने से हम लोग लंच करेंगे. और बैल्कनी सब धो दी हूँ ना, इतना अच्छा क्लीन लग रहा है ना. अगर वहाँ पर धूप नहीं रहता तो वहीं पर बैठ के खाना खाते. बहुत धूप है वहाँ पर, इसीलिए वहाँ जा ही नहीं पा रहे हैं. देखिए काफ़ी धूप है और कितना क्लीन लग रहा है. पौधा मेरा सारा कोना में रख दी हूँ. और उस तरफ देखिए फिर से एक कबूतर आके पॉटी कर दिया है. मेरा हस्बैंड जब तक शॉल लेके आ रहे तब तक मैं थोड़ा सा एडिटिंग कर लेती हूँ. एक वीडियो है, आज पोस्ट करूँगी उस वीडियो को. उसके बाद लंच वगैरह करने के बाद शाम को इवनिंग में आपसे मिलती हूँ. चाय पिए, आज मेरे हस्बैंड भी चाय में मुझे कंपनी दिए. चाय के साथ बिस्किट्स. और अभी हो गया है 7:30, दिया बत्ती जला दिए हैं. और अभी मैं थोड़ा सा इवनिंग स्नैक्स बनाने आई हूँ. तो अभी थोड़ा लेट करके स्नैक्स खाते हैं क्योंकि घर पे है इसीलिए. तो स्नैक्स में आज बनाऊंगी मैं चूरा भुजा.
सो चूरा भुजा काफी सिंपल है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में. सो उसको मैं कैसे करके बनाती हूँ वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूंगी. आई होप आपको भी पसंद आएगा. अगर आप बनाए हैं तो आपको पता होगा, बट अगर नहीं बनाए हैं तो एक बार जरूर ट्राई करना. तो चलिए दिखाती हूँ मैं कैसे चूरा भुजती हूँ. सबसे पहले 1 टेबलस्पून मैं ऑयल दी हूँ, एकदम थोड़ा सा ऑयल लगता है, ज्यादा नहीं. उसके बाद मैं दूंगी मूंगफली, थोड़ा सा इसको फ्राई कर लूंगी पहले. इसके बाद मैं दूंगी ग्रीन चिली, अगर आपको मिर्चा पसंद है तो आप दे सकते हैं, अगर नहीं पसंद है तो मत देना, इसको स्किप कर देना. देन इसमें मैं दूंगी कसूरी मेथी, अगर कसूरी मेथी आपके पास नहीं है तो आप करी पत्ता भी दे सकते हैं. तो मैं कसूरी मेथी दे रही हूँ, इससे खुशबू बहुत अच्छा लगता है. ये फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें दे दूंगी चूरा, आपको जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आप दे दीजिए. देन मैं इसमें दूंगी नमक स्वाद अनुसार, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और लाल लाल करके फ्राई करना है. गया है, इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का. ये ड्राई चूड़ा भुजा होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में. तो गैस ऑफ कर देती हूँ, इसको सर्व कर देती हूँ. तो मैं सर्व कर ली हूँ, अब मैं इसमें मिक्स करूंगी थोड़ा सा पेपर पाउडर, क्योंकि हम लोग तीखा थोड़ा ज्यादा खाते हैं इसीलिए. देन मैं इसमें यूज करूंगी थोड़ा सा चाट मसाला. देन इसमें मिक्सचर यूज करूंगी, अगर आपके पास आलू भुजिया है, शेव भुजिया है, उसको भी दे सकते हैं. और अगर आपको अनियन पसंद है तो अनियन कट करके इसमें दे सकते हैं और थोड़ा सा लेमन जूस दे सकते हैं. दिस इज रेडी. खाएंगे. और ये वाला स्नैक्स ना आप ट्रेन वगैरह में जर्नी जब करते हैं इसको बना के ले जा सकते हैं, या टिफिन में, काफी क्रिस्पी रहता है और टाइम पास के लिए काफी अच्छा है स्नैक्स. तो अगर आप ऐसे ट्राई नहीं किए हैं तो एक बार जरूर ट्राई करना, बहुत ही टेस्टी लगता है. तो चलिए इसको हम लोग इंजॉय करते हैं. जब मिर्ची फ्राई करने बोलते हैं तो बस इतना फ्राई क्यों करोगे, जब मैं बोलता मुझे इतना चाहिए, इतना खाओगे अकेले. ये गुजराती मिर्ची है, तीखा नहीं है ज्यादा, एकदम हल्का तीखा रहता है. चाय भी उतना भी अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए. अच्छा नहीं है पता है, बट ये जो भुजा वगैरह होता है ना, एसिडिटी होता है. तुम्हारा जो कॉम्बिनेशन है खाने का बिल्कुल सही है. चाय के साथ पूरी, चाय के साथ पराठा, चाय के साथ मतलब हर वाली चीज को हम चाय के साथ खाएंगे. आज हम लोग लंच में दाल भात भिंडी फ्राई खाए थे. इस समर में हम फर्स्ट टाइम भिंडी खाए आज. इतने दिन से मिल रहा था बट हम लोग लाए नहीं, क्योंकि लॉकडाउन का पहले ही हम लोग वेजिटेबल लाए थे तो वो चल रहा था. वेजिटेबल रहते हुए हम लोग वेजिटेबल नहीं लाए क्योंकि बेकार में बाहर निकलना ठीक नहीं है, जितना नीड है उतना ही लाना चाहिए. तो सब्जी हम लोग का ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था कल. ग्रीन चिली तो एकदम भी नहीं था, एक भी नहीं था, तो इसीलिए कल ये ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर और एक पाव करीबन परवल और भिंडी लेके आए. बस इतना ही लेके आए, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाए. सब्जी तो मिल रहा है, सर्वाइव करने के लिए जो जो चाहिए वही सब मिल रहा है.
वेजिटेबल मिल रहा है, बट मिल रहा बोल के ये नहीं जो पूरा एकदम बैग भर भर के लेके हम लोग घर में स्टॉक करके रखे, बाकी लोगों को भी दिक्कत हो सकता है, इसीलिए जितना नीड है उतना ही लेके आए हम लोग। तो यही वेजिटेबल से हम लोग बाकी चलाने की कोशिश करेंगे 14 अप्रैल तक, अभी और नहीं जाएंगे। तो इसीलिए एक सब्जी के साथ ही हम लोग खा रहे हैं, दाल भात एक सब्जी बस, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं ले रहे। तो भिंडी हुआ है दोपहर को, रात को ये बैंगन है, दो बैंगन का सब्जी और रोटी बनाऊंगी। सो और आज जैसे संडे है 5th अप्रैल, सो गवर्नमेंट की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है 9 बजे सारे लाइट वगैरह जो है घर के सारे ऑफ करके अपने हिसाब से किसी के पास दिया कैंडल कुछ भी है वो सब जलाए बाहर में बैल्कनी में जाके। तो मेरे पास दिया तो नहीं है, कैंडल है तो हम लोग कैंडल जलाएंगे और उसके साथ साथ भगवान से डेली प्रेयर कर रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कब जाके जो ठीक होगा खाली दिन गिनती कर रहे हैं, देखती हूँ। आई होप सब अच्छे से जल्दी ठीक हो जाए। गर्मी लग रहा है तो खीर खाना खाली बाकी है, स्वीट डिश है। स्वीट डिश ना खाने के बाद लास्ट में खाना बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए थोड़ा सा खीर ना बचा बचा के रख दे। बनाई थी मैं परसों कल और आज, तीन दिन ये हुआ, बहुत अच्छा लगता है मुझे खीर, थोड़ा थोड़ा निकाल के खाते हैं हम लोग। सो ये लास्ट बचा हुआ इसको कम्प्लीट करेंगे आज और खाने के बाद फिर थोड़ा सा स्किन केयर करके उसके बाद सो जाएंगे। सो फ्रेंड्स इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से रहोगे और अच्छे अच्छे सोचोगे। बाय, गुड नाइट।